नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर आवाम तक। खबर आवाम तक में आपका स्वागत है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव 75 वर्ष की उम्र में गुरुवार को उनका निधन हो गया। वे गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। शरद यादव को समाजवाद का मुखर समर्थक माना जाता है। यही वजह थी कि राजनीति में उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था। बिहार की राजनीति में अलग पहचान रखने वाले शरद यादव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य बड़े नेताओं ने शोक जताया है। जो तीन तीन प्रदेशों से लोकसभा का चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तो एक ऐसे सुलेब नेता हमारे बीच में से चले गए हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। बहुत ही दुखद दिन है और मेरे लिए खास तौर से, क्योंकि मेरे शरद जी से बहुत ही नज़दीकी रिश्ते रहे। ऐसे संघर्षशील लोग हैं ही नहीं। स्टूडेंट लाइफ में आप में से बहुत लोग, पुराने लोग जानते होंगे कि शरद जी के सारे हाथ पैर पुलिस के जी बताते सारे, लेकिन कभी उन्होंने पीछे हटे नहीं। और राज्यसभा और लोकसभा में आप लोग देखा होगा, जब तक ये लोग रहे शरद जी, एक वक्त तो शरद जी, मुलायम सिंह जी, लालू जी तीनों जो हुआ करते थे, तो संसद की कार्यवाही भी देखने लायक होती थी, संसद जीवंत रहती थी। हमारे साथ हमारे बगल में ही राज्यसभा में शरद जी के बगल में ही मैं बैठता था पहली रो में, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अपने किसी भी मुद्दे को अगर मैंने उठाया होगा तो शरद जी ने मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़कर हमारे उस इशू का समर्थन किया। हम लोग लगभग एक ही उम्र के थे, शरद जी हमसे एक साल छोटे थे, लेकिन दुखद है देश की राजनीति में इस तरह के संघर्षशील लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो अब कमी होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। तो जो हिम्मत करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही दुखद बात है और पूरे समाजवादी परिवार के लिए, सोशल जस्टिस के लिए सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शरद जी ही थे। तो इस तरह के लोगों का जाना देश की बड़ी आबादी के लिए भी बहुत दुख की बात है और देश की राजनीति में एक जो खालीपन आ रहा है, जो शून्य आ रहा है, वो भी बहुत ही चिंता की बात है।